नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक और जिले का रिजल्ट घोषित हो गया यूपी एन एम पाँच हज़ार में से उनतीस सौ इकहत्तर पोस्ट एक और जिले का रिजल्ट घोषित अभी अभी जस्ट यही अभी अभी, अभी अभी रिजल्ट आया है किस जिले का आया है आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए अभी तक टोटल इकतालीस जिले का रिजल्ट घोषित हो गया है वह कौन सा जिला है आप लोग को दोस्तों मैं बता रहा हूँ जल्दी देखें रिजल्ट कहीं आप उस जिले से तो नहीं है काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र के संबंध में दोस्तों सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों आ गया दोस्तों का रिजल्ट आ गया मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये देखिए दोस्तों बस्ती जिले का रिजल्ट आ गया है चीफ मेडिकल ऑफिसर अभी अभी आया है दोस्तों चीफ मेडिकल ऑफिसर बस्ती आप देख सकते हैं सत्रह बारह की डेट में जो है पहुंच गया था और मेल भी आ गया था सी सर के ईमेल आईडी पर जो है मेल भी आ गया था कि रिजल्ट के लिए और दोस्तों आज जाके यह देखिए बीस तारीख में रिजल्ट आज घोषित हो रहा है तो सभी सीएमओ सर के मेल पर यह जो है न्यूज आ चुकी है हर जिले के सीएमओ सर के पास बस रिजल्ट में देरी हो रही है दोस्तों पहले नंबर पर जो है अंजनी वर्मा मैडम जी हैं अंजनी वर्मा जो एन एम पहले नंबर पर हैं फिर जया त्रिपाठी जी हैं फिर अंकिता प्रजापति जी हैं सुनीता देवी और इसी तरह दोस्तों देखिए रिजल्ट भी आ गया है इसमें एक अभ्यर्थी ऐसी हैं जो कई ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई थी उनका सभी ज़िले में लगभग लगभग हो गया है इसमें है देखिएगा इक्कीसवें नंबर पर इनका नंबर है कंचन देवी तो ऐसे दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी जो है बहुत से ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराए हैं जो एक ही ज़िले में जो है काउंसलिंग कराएंगे इससे वेटिंग लिस्ट वालों को फ़ायदा मिलेगा अब जैसे वेटिंग लिस्ट वालों को तब फायदा मिलेगा जब एक सीट दो सीट खाली रहेगी या दस सीटें खाली हो जाएंगी इसी तरह से जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं तो दोस्तों बस्ती ज़िले का रिजल्ट आ गया जो भी अभ्यर्थी अब बस्ती ज़िले से हैं वो लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से उनका होगा एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया में पूरी जानकारी उनको ये दी जा रही है कि आप जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र और हाई स्कूल इंटर ए और इसके बाद जो है आप लोग ए, यूपी फैक, ए, मेडिकल फैकल्टी से जो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हुआ, हुआ हुआ है और अगर उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वह भी सब लगा कर जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है काउंसलिंग करा लें और अपनी सीट को रिजर्व कर लें दोस्तों अगर जो भी बस्ती से अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन पाए हैं तो दोस्तों इन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई हो ढेर सारी शुभकामनाएँ और दोस्तों इसके बाद जो यूपी ट्रिपल एस का जो फॉर्म पड़ रहा है उसको बहुत सावधानी पूर्वक से आप लोग फॉर्म को भरिए और उसकी तैयारी में जो है शुरू करा दिया हूँ आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही जैसे ही किसी और जिले का रिजल्ट आता मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा जो भी भाई बहने चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें धन्यवाद